हेलो बेटा, फाइनली बैक टू विद अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खेल से होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। अगर एंजॉय कर रहे हो तो दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, गाड़ दो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, पर मैं नहीं ठीक यार। मेरा ही सन 2023 का लास्ट इतना को मजू फजूल और मनूस चल रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं। पहले एग्जाम आ गए समय बुरी चीज और एग्जाम के अंदर मैं फेल भी हो गया। रिजल्ट तो नहीं आया, पर मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री इतलाकियत और उर्दू में मैं फेल हूँ, तो तीन में फेल तो फेल, बस फेल हो गया, कोई बात नहीं, खैर हो गई। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और क्या नाम है उसका, उसके बाद जब एग्जाम खत्म हुए हमारे, हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए। मेरी आँख के पे इतनी जोर से बोल लगी ना कि मेरी आँख इतनी ज्यादा रेड हो गई थी और पूरी स्वेल हो गई थी ऐसे, मुझे याद नहीं मेरी ये आँखें रंगी ये वाली आँख थी, तो बहुत ज्यादा रेड हो गई। दिखाता हूँ, क्लिप दिखाता हूँ। फ्लैशबैक। तो यार व्लॉग वगैरह नहीं आ रहा उसके लिए सॉरी, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं था मिल रहा। आज आखिरी पेपर था, आखिरी पेपर की खुशी में बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गए ग्राउंड में, और मेरी आँख के ऊपर इतनी जोर से आके बोल लगी ना कि मेरी आँख रेड भी होती जा रही है और स्वेल भी हो रही है। अब मुझे नहीं पता उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, ये जैसे ठीक होगी तो लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर मेरे दांत का मसला हुआ, दांत में कीड़ा लग गया था, जैसे मेरे रिश्तेदारों के डैश में लगा हुआ है। बस पूरे रिश्तेदारों के लिए माइंड मत करना, सही, जैसे मेरे फजूल तरीन घटिया रिश्तेदारी है उनके लिए, तो जितना गाली दिलो जितना बोल लो कम है, उनको देखकर तो मेरे दिल से और मेरे अंदर से गाली कहती है, मालिक मैं बाहर आऊँ नहीं, मेरे बाहर आने की जरूरत नहीं, तो अंदर ही रहे, गाली देना बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं, मैं गाली देता भी नहीं हूँ और गाली किसी को देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग भी मत दिया करो। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। और क्या क्या नाम है सर, दांत का बता रहा था, मैंने दांत में कीड़ा था तो उसको निकाल दिया, बहुत सारा पेन हुआ, वो दांत के हड्डी के अंदर दांत था, वो इतना उसकी जड़ इतनी मजबूत थी, तो उसको कट करके निकाला, और कैसे निकाला सिर्फ मुझे ही पता है, इतना पेन हुआ वहाँ पे, इतना पेनफुल था ये, मतलब बस मैंने गुजार लिया, बेहोश भी नहीं, मतलब जिंदा साबुत ऐसे ही निकाला। पहले दांत टूट गया, अंदर दांत टूटा उसको, फिर उसने मसूड़े के अंदर कट डाल के उसको बाहर निकाला, फिर हड्डी का कट करके उसको बाहर निकाला, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हुआ यार, बहुत, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता था, पर मुझे होश ही नहीं थी यार, मतलब इतना ज्यादा मैं कैमरा पकड़ता हूँ, इतने सारे डॉक्टर डॉक्टर थे मेरे सर पे, समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, और दांत के पिक्चर्स वगैरह यहाँ नहीं दिखा सकता, अगर दिखाई तो मेरा चैनल खराब हो जाएगा, 15 दिन की तो मुझे कुछ पोस्ट ही नहीं करने देंगे, स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी, तो मेरा आधा महीना तो यूं ही गुजर जाएगा। पहले मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा, ऊपर से जब पोस्ट करने लगा हूँ तो मुझे पोस्ट नहीं करने देंगे। तो फिलहाल अभी जाता हूँ नाश्ते में, केक वगैरह हल्का फुल्का कुछ खाता हूँ, फिर मेडिसिन खा के आइसक्रीम इसके साइड से खाऊंगा, ताकि इसमें थोड़ा सा आराम है, थोड़ी सी ठंडक लगे और थोड़ा सुकून आए मुझे। तो फिलहाल तो अभी जाके केक खाता हूँ, और केक खाने के बाद खाता हूँ कुछ, हो मुझे भी खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, तो अभी भी सोच के ना मुझे चक्कर से आने लग जाते हैं दांत को, तो मैं व्हाट्सअप और स्नैपचैट पे इसकी पिक्चर लगा दूंगा स्टोरी, तो वहाँ पे देख लेना आप लोग। मेरी तरह ऐसे कौन कौन करता है, चीज़ खाने से पहले गिरा देना। अब मैं केक निकालने लगा था, इसके अंदर से वो चाय गिर गई, क्या यार मेरी भी अजीब हरकत है। केक तो निकाल लिया और चाय गिर गई, और चाय मैंने हाफ कप पीस ली थी, क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं, सिर्फ इतनी सी पी ली ताकि केक खा सकूँ बस। और चाय किस किस को पसंद है कमेंट में बताना, मुझे तो उल्टी आती है चाय से, मुझे बहुत बुरी लगती है, सिर्फ कोई बिस्किट अगर बिस्किट या केक वगैरह डिप करने भी चलता है भाई, वैसे नहीं पीता मैं। नाश्ता तो मैंने कर दिया, अभी आप लोग ये चेक करो, इतनी सारी दवाइयाँ मुझे खानी है, मतलब कुछ भी इन सब को खाना है यार, कल से खा खा के अक गया हूँ मैं, कल एक सुबह मैंने खाई, आने के बाद एक ही खाई, अब एक ही खाई, अब इनमें से अभी भी खानी बाकी है जो मुझे भी नाश्ते के बाद खानी है, और मुझे उल्टी आ रही है, मतलब चक्कर आ रही है इतनी दवाइयाँ खा खा के, एक तो इतनी गर्म हो रही है पहले, ऊपर से मेरे मुँह का बेड़ा गर्क हुआ होगा, ऊपर से इतनी गर्म हो रही है खा खा के, और बेड़ा गर्क हो जाना मुझे लगता है। A few moments later. मुझे कल से अपने पास से बहुत सारा ब्लड की स्मेल आ रही थी, मैंने नहा धो के अपना हुलिया चेंज करा, और अभी दोबारा से दवाई खाने का टाइम हो गया, शाम हो गई है, सारा दिन मैंने जैसे मर्जी करके बस गुजार लिया, मैं टाइम गुजार रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ठीक होता जाएगा ये, अभी दवाई खानी है, उससे पहले मुझे कुछ खाना होगा, तो मैंने नूडल्स बनने के लिए रखे हैं, और जब तक नूडल्स बन रहे हैं हमारे स्टार भी रेडी होने वाला है, काफ़ी गंद हो रहा है पर अच्छा लग रहा है स्टार, इसके अंदर लाइट वगैरह लगी हुई, रात को दिखाऊंगा आपको आपको, और क्रिसमस ट्री भी बन चुकी है एकदम परफेक्ट फिक्स आई है, दिखाता हूँ, बिल्कुल लास्ट में टच ही होने वाला था, थोड़ा सा रह गया था बस पूरा, और पूरी ट्री रेडी है, ऊपर चढ़नी भी आपको चढ़नी दिखाता हूँ, अच्छी लग रही है, जब जब इसमें लाइट वगैरह चलेगी तब दिखाऊंगा, वो रात में दिखा सकूंगा क्योंकि अभी रोशनी हो रही थोड़ी थोड़ी, और रोशनी में सही से नजर नहीं आएगा, तो अभी चलते हैं किचन में, नोट्स रख के आया था मैं, इसको देखते हैं जाके बन गए कि नहीं।
हमारे नूडल्स बनने वाले बस रेडी हैं और साथ में पापा के लिए चाय रखी हुई। मैं चाय पीता तो नहीं, बट बनाता ऐसी लजीज, इतनी मज़ेदार होना कई बार पियोगे याद रखोगे। बस नूडल्स भी निकालते हैं और चाय में चीनी पत्ती डालनी है, अभी सिम डालनी है, बॉयल हो जाए दूध, फिर इसमें चीनी पत्ती डालूंगा। बस नूडल्स निकालने की बारी आ गई, इसको निकालते हैं, थोड़ा खुशक कर लेते हैं ताकि इसका मसाला मेरे मुँह के दिल लगता है तो बहुत जलन मचती है भाई, खाया तो बिल्कुल नहीं जाता। तो पापा की चाय भी बन के रेडी है और मेरे नूडल भी बन गए, इनको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया ताकि इनको खाने में इजी। और किचन का देखो कितना अच्छा साफ सुथरा एकदम हाल रखता हूँ ना, ताले तू बिल्कुल भी गंदी नहीं, सारी चीजें अपनी जगह पे एकदम सेट पड़ी हैं, कोई चीज गंदी नहीं हो रही, सब कुछ साफ सुथरा है। तो भाई नूडल बन के रेडी है और इनको भी खाते हैं और बता दो कैसे। मजेदार। सारा स्टार बंद हो गया, पर इसके साथ का गंद दिखाता हूँ, गंद कितना ज्यादा हुआ है। अब इसको लगाते हुए दिखाऊंगा बाहर जब लाइट आएगी तब कैसा लगता है। A few moments later. तो फाइनली पब्लिक स्टार में लाइट्स लग गई हैं और स्टार बिल्कुल रेडी है और क्रिसमस ट्री की लुक कुछ इस तरह की लाइटों के बाद मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर आप लोग का मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। और ओगी कार्टून किस किस को पसंद है, इनको देखते देखते साथ में कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करा था। कार्टून देखते देखते कब रात में 2 बजे हैं कुछ पता ही नहीं चला। फ्रिज में देखा तो चावल पड़े थे, चावलों को गर्म करा दाल के खाने लगा, तो मैंने फ्रिज में देखा इतने छोटे छोटे से टमाटर पड़े थे, टमाटर दिखाऊंगा बाद में। चावलों को दाल अंदर लेके आया, फिर मेरे को याद आया 2 गोलियां बची हुई मेरी, इनको भी खा लेता हूँ। सारी गोलियां खत्म हो गई, सिर्फ ही आखिरी की 2 ही 3 को खाया और सो गया। The next day. तो यार रात को मैं सो गया था और स्टार भी नहीं लगाया, स्टार सामने पड़ा हुआ है, स्टार के ऊपर लगानी है कैप, कैप यहाँ पे लगेगी, बड़ी प्यारी लगेगी सेंटा वाली कैप और स्टार की लुक बहुत अच्छी लग रही है। इसको जब लगाएंगे तब काफ़ी टाइट रहेगा, लगने के बाद बहुत प्यारी लुक लगेगी इसकी, लाइटें वगैरह जब जलेंगी। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस एडवांस में। और टमाटर दिखाने दे रात को मैंने आपको टमाटर दिखा था, बहुत छोटे छोटे से मिल गए, इसको खाते हैं और टमाटर शायद नीचे पड़े हैं, खाइए रे, इतने छोटे छोटे से यार, ये चेक करो आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं यार कसम से, कितने क्यूट लग रहे हैं, इनके साथ तो खेलने का दिल चाह रहा है। सर मुझे टमाटर को तो नहीं पता कि टमाटर को फ्रिज में क्यों रखा है, हाँ फ्रिज में टमाटर खाना बनाने के लिए रखते हैं, पर इतने छोटे छोटे क्यों रखे उसका नहीं मुझे पता था। मैंने लेंस निकाल के रखे, ये लेंस ना शादी में मैंने यूज़ किए थे, 3 फंक्शन थे, तीनों पे यूज़ किए थे। एक तो उसका ढक्कन में चिपक गया, पानी गिर गया इसका, और इसका भी पानी गिरा हुआ है, कैसे गिरा मुझे नहीं पता, बैग के इस बैग के अंदर रखे हुए थे तो पानी निकल गया। इसका कलर येलो लग रहा है, पर येलो इतना है नहीं जितना लग रहा है, और काफ़ी प्यारा है। ये वाले ग्रे और ये वाले ब्लू से, ये फोजी सा कलर है और बड़े बहुत प्यारा कलर है इसका। मैं सोच रहा हूँ इनमें से ना कोई ट्राई करता हूँ, लगाता हूँ तो लगा के दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। ऐसे लगाया नहीं जाएगा, मुझे एक हाथ से आपको पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से इसको अंदर लगाना पड़ेगा, तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। फाइनली अगर अपनी लेंस लगा ली, लेंस लगाने के बाद ना कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, पहले येलो लग रहे थे और अब लगाने के बाद कलर बिल्कुल चेंज। मैंने कहा था ना कि कलर चेंज होगा, देखने से थोड़ा अजीब लग रहा था, कह रही क्या गंदा सा कलर लेके आ गया मैं, येलो कौन लगाता है ऐसा कलर, पर येलो है नहीं लग रहे थे और कलर मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है इनका लगाने के बाद। आप लोगों को पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोग कैसे चॉइस है मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने एक बार पहले भी लगाया था, आई थिंक सांगर जाते हुए सफ़र में लगाए थे, मैंने जब ट्रैवल किया तब लगाए थे, रास्ते में उतारते मैंने पूरा सफ़र नहीं लगाए थे, सो गया था उतार के वजह से। और जो दूसरे वाले ग्रे वाले थे और एक मेरे ख्याल से ब्लू थे और एक ग्रे थे, हाँ एक मैंने माइयों पे लगाए थे, एक मैंने ब्रात पे लगाए थे, 2 मैंने अलग फंक्शन लगाए थे, एक जाते हुए लगाए थे। आज मैं वापस आके ना कुछ भी पानी वगैरह चेंज नहीं करा था, तो मैं सोचा इनको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद रखते हैं, तो मेरे दिन में आके ला के ट्राई करते हैं, कितने दिन अगर लगाया नहीं मैंने इनको, तो खैर यहीं पर करते हैं लोग कैंड, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी तो उससे प्यार करते रहना, दिल से लव यू, गीली चुमी वगैरह प्यार, एक मिनट जाके इधर सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब बोल बोल के करवाना पड़ता है, कौन करेगा सब्सक्राइब, हाँ चुप कर पे कुत्ते, तो खैर सब्सक्राइब कर देना। और ये था मेरा आज का पूरा दिन, इस तरह से मैंने सर्वाइव करा, दांत निकालने के बाद मैंने किस तरह की मुश्किल झेली, क्या करा क्या नहीं, कैसे दिन गुजारा, सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड करा, आने वाले व्लॉग्स में मजे के होंगे,